सीएम कमलनाथ की कैबिनेट में गृह एवं जेल जैसे मंत्रालय सौंपे गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निमाड़ की राजनीति में बच्चन कहे जाने वाले बाला बच्चन को, जी हां, विपक्ष में रहकर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने वाले बाला बच्चन ने बड़े ही संघर्ष और अपनी राजनीति के सूझबूझ के लिए यह मुकाम हासिल किया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। सीएम कमलनाथ ने बड़े ही पशुपेश और जद्दोजहद के बाद विभागों का बंटवारा किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले गृह मंत्रालय एवं जेल की जिम्मेदारी कांग्रेस के कद्दावर नेता बाला बच्चन के कंधों पर सौंपी है। बाला बच्चन की पहचान जमीनी नेता के तौर पर होती है और लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। उनका राजनीतिक कद साल दर साल बढ़ता गया और उनके अनुभव को देखते हुए सीएम कमलनाथ ने उन्हें राज्य के अहम विभाग की कमान सौंप दी। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उनके पिता मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मंत्री बच्चन ने भी अपने पिता के साथ खेतों में काम किया, लेकिन बाला बच्चन ने तो कुछ और ही ठान रखी थी। उन्होंने मजदूरी के साथ साथ पढ़ाई और छात्र राजनीति में भी सक्रियता दिखाई। इसके बाद वे स्कॉलर के दम पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए इंदौर चले गए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में शुरू हुआ उनका राजनीतिक जीवन, जो आज सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा। हजारों कार्यकर्ताओं के नाम याद रखना व उनसे लगातार संवाद स्थापित करना उनके राजनीतिक जीवन को औरों से भिन्न करता है। बाला बच्चन का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ 1993 के विधानसभा चुनाव से, जिसमें वे पहली बार राजपुर से विधायक चुने गए। उस समय मध्य प्रदेश के सबसे युवा विधायक का रिकॉर्ड उनके नाम था और आज निमाड़ का बेटा कहे जाने वाले बाला बच्चन मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।